अभी आपको जो चेना दिखाऊं कि क्या क्या रखा हुआ है, मिठाई, सलाद, ये भी मिठाई, चिकन कढ़ाई और ये रोटियाँ। ऐसे ही आप बांट बांट कर खिलाते रहे, हमारी बड़ी हैं अब वो भी बड़े हैं, ये खर्चे करवाते रहे और हम खाते रहे। ऐसे ही अल्लाह पाक जिंदगी दे। हाँ जी ये बात है, यही तो बात चाह रही है ना बेटा, ये सोच अच्छी है। बरल बच गई हो आज मुझसे, नहीं तो मैं गाल करने वाला था। ओपन, और अभी डालेंगे प्लेटों में। उन्हें मैंने बोला था सलाद का सामान, तो वो ले आए माशाल्लाह। खीरे देखें और प्याज की कटाई। सीधी सी बात है, मैं अच्छी तो खाती नहीं हूँ, फिर भी उसका नाम बोल देती हूँ। अभी हम इसमें ऐड करते हैं लाल मिर्च सौर्ख पाउडर। ये जी दही भी डाल दिया, अभी इसका टेस्ट चेक करना बाद में। ये देखें जी माशाल्लाह, ट्राली जो है ईटों की आ चुकी है। कल वाली कुछ उधर उतारी थी साइड पे, आज वाली ट्राली जो है इधर दरवाजे के साथ ही उतारेंगे, क्योंकि यहाँ से आसानी होगी ना। अबू ने बताया था जैसे वो मवेशियों के लिए भाड़ा बनाना है, उसी की ईटें आ रही है माशाल्लाह। कल भी कुछ आई हैं, आज भी कुछ आ गई हैं, तो ये अभी उतार रहे हैं। दो बंदे हैं माशाल्लाह। से पुत्र पानी शानी पिला दिया? हाँ जी। चलो फिर बोतल शतल भी ले आओ। हाँ ले आते हैं। हाँ बोतल भी ले आओ, पिला दो। हाँ जी। क्योंकि गर्मी बहुत है, काम है ये ज़रा भारी। हाँ। तो चलो ले आओ बोतल शतल। मवेशियों के लिए जो भाड़ा बनाना था, कल फरमान भाई ने अपने वीडियो में दिखाया था कि ट्राली आई थी, आज मैंने दिखाया क्योंकि वो घर पे नहीं है ना। तो बाकी दरख्त वगैरह जो है इनके साए भी नहीं है कि बंदा मवेशी बांध सके, नीचे धूप में बेचारे बैठे रहते हैं। तो कोशिश है कि जल्दी जो है इनका भाड़ा बनवा लें, इंशाल्लाह सुकून से फिर छाँव में बैठेंगे। और कल वाली ट्राली जो उतारी थी वो भी मैं आपको दिखा दो कि किधर पड़ी है। तो जी कल वाली ट्राली मैंने आपको बताई कि यह रखी हुई है जो मैं बता रहा था। कल भी एक ट्राली आई थी, यहाँ रेत की ज़मीन है तो यहाँ से जो है ज़्यादा ईटें नहीं आ सकती, थोड़ी थोड़ी करके ले आते हैं। कल भी वो थोड़े से लाए थे, आज भी कुछ लाए हैं, ऐसे थोड़े थोड़े पहुँचाते हैं, क्योंकि रेत है, ट्राली फंस जाती है तो फिर नुकसान होता है। इसलिए कल जो लाए थे वो ये रखिए, और आज जो है वो उस साइड पे उतार रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मिस्त्री से बात हो रही है, जल्दी इंशाल्लाह मवेशियों का जो है भाड़ा तैयार करेंगे। वो देखें वो दूसरों के हमसायों के, वो भी आधे धूप है आधे छाँव है। हमारे वाला बछड़ा जो है वो खड़ा है, चलो उसकी तो बचत हो गई है। दरख्त जो है सहे वाला है तो इसके नीचे वो तो महफूज है, लेकिन वो छोटा बछड़ा जो बैठा है ना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप है। तो इंशाल्लाह सब मवेशियों को जो अंदर बांधे के छाँव पे, बस ये बांध जाए बहाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी है मेरे लिए भी, चलो मैं आता हूँ। ऐसा करें ना आप मेरे लिए अलहदा रख दें, ताकि आप सारा ख़त्म कर दोगे ना मेरे लिए अलहदा। आज आप नहीं थे, आपको पता है बाहर खाते थे।
हाँ आज मैंने बाहर मंगवाया, 100 रुपया ने तो खाया नहीं, मुझे अकेले खत्म करना पड़ा। ओया ये कैसे हो सकता है। अच्छा आप ऐसा करें, अभी मेरा ऐसा निकाल लें, मैं जरा बात। अच्छा 100 रुपया वाला हिस्सा, भाभी वाला हिस्सा मुझे दे दे। हाँ जी मैं ये जरा मिसाले जात। आज है जी बहुत बड़ा फंक्शन पार्टी, माशाल्लाह वो कहते हैं ना वाओ। हाँ जी बहुत बड़ा। तो ये किस खुशी में फंक्शन है ये अभी बताने वाला नहीं है, छुपाने वाला सरप्राइज है। हाँ जी तो जरा मैं मिसाले चेक करवा दूँ। इधर टमाटर अदरक लहसुन। हाँ जी अच्छा जी ये देख लें आप टमाटरों की प्लेट, वाओ। और ये वगैरह वगैरह, इसमें हरी मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन ये सब कुछ पड़ा हुआ है। और इधर प्याज भी रखे हुए हैं। आप एक प्याज जो है काट रही हूँ, 1 किलो जो है टमाटर वो मैंने काट लिया है, और साथ में चिकन भी रखा हुआ है, अभी चिकन को धोना है। और आज बना रहे हैं माशाल्लाह कढ़ाई, कढ़ाई गोश्त, क्योंकि काफ़ी बहन भी बोलते हैं कढ़ाई में टमाटर ज़्यादा डालते हैं और प्याज कम डालते हैं, तो इसलिए आज देखें टमाटर बहुत ज़्यादा हैं और प्याज जो है बस इतने से है। आज ओरिजिनल वाली कढ़ाई, ओरिजिनल कढ़ाई, उसमें दही भी डालेंगे। लाइफ में फर्स्ट टाइम, हाँ जी पहली बार चिकन कढ़ाई हमारे घर में। हाँ जी बताना नहीं है किसके लिए बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी बता देंगे। हाँ जी तो ये देख लें जी, आपको टमाटर पहले भी दिखाए हैं, माशाल्लाह इतने सारे टमाटर हैं। तो ये सारे जो है कढ़ाई में डालेंगे। और ये चिकन, चिकन ज़रा दिखाएं शपर खोल के। हाँ जी ये रखा हुआ है, अभी धोने के लिए जा रही थी, फिर मिसाले काट रही थी, ये जब धो के आऊँगी तो फिर दिखा देंगे। अच्छा शापर में पैक है। हाँ चले फिर सही हो गया माशाल्लाह। मुझे तो ये ड्रेस आपका बहुत ही प्यारा लगा। थैंक यू। मैंने कहा पहले मैं तारीफ कर लूँ, तारीफों के पोले झाड़ लूँ, फिर बहन भाई तारीफ करेंगे। नहीं मैं करीफ नहीं हूँ ना, तारीफ के काबिल नहीं हूँ। नहीं नहीं मेरे लिए तो है, मुझे तो पता है आप मेरी। वो बुला रहे हैं, वो खा जाएंगे। हाँ जी चलो मजे जशन। अच्छा तो मसला ड्रेस वही है जो आपकी अम्मी ने गिफ्ट किया था। हाँ जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ड्रेस है, प्यारा पीला कलर आपने पहली बार पहना है। तारीफ के काबिल है। नहीं आप यार यार अब है तारीफ के काबिल। चलो जोड़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, हमारे घर में भी सब ठीक ठाक है, सब बहन भाई की दुआएं हैं। और जो न्यू आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, भूलना नहीं है। हमारा व्लॉग जो होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हाँ जी सब्सक्राइब को भूलना नहीं है, क्योंकि बेगम जो है झंडे भी उठा लेती है। नहीं नहीं जो मेरे देखने वाले हैं ना सबके लिए मैं दुआई करती हूँ, किसी को डंडे नहीं मारती। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इस बात की है मुझे कि सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे बहन भाई सपोर्ट करेंगे, और मुझे बहन भाइयों को पूरा भरोसा है। हाँ जी वेल डन, वेरी नाइस। और जो बीमार है अल्लाह पाक उसे शिफा दे, जो बेउलाद है अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे, जो मजदूर है चल फिर नहीं सकते अल्लाह पाक उसे तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जो बहन भी हमें देखते हैं हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छा करे, और इस नेक दुआ के साथ चलते हैं लोग की तरफ, तो रहना है हमारे साथ। वेरी नाइस, यू आर क्यूट गर्ल। थैंक यू। इस्तेहाना पत्थर से बात करते हैं। इस्तेहाना पत्थर नहीं अभी नहीं करें। इस्तेहाना पत्थर अभी धूप बहुत है। इस्तेहाना पत्थर क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत से ठीक है, तबीयत ठीक है। अच्छा ये क्या कर रही हो,
क्या कर रही हो? रोटियां बना रही हो? वाह जी वाह, आज तो इस्तेहाना ने बर्तन इस्तेमाल कर लिए। उनको देखा ना कढ़ाई बनाते हुए, तो सारा देखेंगे सामान भी ले आई, मिट्टी के बर्तन भी ले आई अपने, और रोटियां सोटियां भी बना रही है। हाँ ये अभी तक एक रोटी नहीं बनी। अच्छा पक रही है? वाह जी वाह, चूल्हे के ऊपर वो देखे जी भट्टी भी चढ़ी हुई है और चूल्हे के ऊपर रोटी सोटी बना रही है। ओ नहीं बनी, फूट गई। अच्छा नाच नाच सुना छोड़ो। नाच सुना छोड़ो, नाच सुना छोड़ो गुबु, गुबु नाच सुना छोड़ो। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुनाते रहो। ये क्या बना रही हो? रोटी सागर क्या बनाओगी? गोश्त रोटी कढ़ाई? वाह जी वाह, और पानी किसमें भरोगी? इसमें तेरी पियोगी किसमें? अच्छा ऐसे पियोगी, ये तो बड़े वाला है तिल्ला घड़ा, छोटे गिलास किधर है? गिलास हाँ जी वो है गिलास, अब उससे पियोगी? अच्छा हांडी किसमें पकाओगी? देगची में, किधर है देगची? ये तो घड़ा है, इसमें तो पानी भरा है। ये देगची है, ये भी मटका है, इसमें पकाओगी? हाँ ये ठीक है, चलो इसमें बना लो। ठीक है अब रोटी बड़ी करके दिखाओ ना मुझे। सियाना जी रोटी पका रही है। सियाना पकता रे रोटियां सटियां, खुश हो जाओ खुश हो जाओ। क्या सोच रही हो? नहीं इसको बोलो खिलो, फिर खिलती है। हाँ जी खुश हो जाओ, खिलो खिलो खिलो। थकाने वाले खेल, थकाने वाले। अच्छा आज मूड नहीं है, चलो खाना शाना बनाओ, मुझे भी दोगी, भूख लगी है, जल्दी पकाओ जल्दी जल्दी बनाओ, भूख लगी है। उसको देंगे आप, छोड़ो उसे, जल्दी बनाओ, भूख लगी है, जल्दी 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 करो। हाँ जी जल्दी बनाओ, भूख लगी है, चलो पक रही है। बोलो बाय बाय। माशाल्लाह जी गोश्त भी हमारा डाल दिया है कढ़ाई में, अभी जो है मैडम इसको घी में तल रही है। खुद तल रही है? नहीं नहीं घी में तल रही है। हाँ जी घी गर्म हो गया था और इसमें डाल दिया चिकन। चलो जी ये देख ले मसाला, चिकन इसमें डाला हुआ है, अभी इसकी तलाई होगी, फिर आगे कढ़ाई वाला निजाम शुरू। हाँ जी तो माशाल्लाह जी आप देखें इसका कलर, इसका कलर जो है कैसे हो चुका है, जब पहले चिकन डाला था तो कलर कैसा था, अब कैसे हो गया है। बड़ बड़ कर रही है। हाँ जी ये तिलक रही है घी में, ऐसे तिलक रही है जैसे मच्छी बना रहे होते हैं। सीधी सी बात है मच्छी तो खाती नहीं हूँ, फिर भी उसका नाम बोल देती हूँ। अभी जो इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन, अब ये धनिया हरी मिर्च और प्याज,
अभी जो इसमें टमाटर डाल रही हूँ, ये देखें पहले भी दिखाया था, टमाटर भी डाल चुके हैं। अभी इसकी करते हैं अच्छे तरीके भुनाई, तो फिर इंशाल्लाह आगे दिखाएंगे। ये जो चिकन कढ़ाई की पोजीशन आप देख लें, अभी हम इसमें ऐड करते हैं लाल मिर्च, सौंफ पाउडर। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह करें। ये जो सौंफ पाउडर ऐड हो रहा है, एक और भी डाल दें। चलें जी, अभी इसके ऊपर से डालें हल्दी, हल्दी का एक चम्मच। चलो अभी इसमें नमक डालें। एक और दो, एक तीसरा भी डाल। चले अभी कोई और मसाला है डालने वाला, कढ़ाई कढ़ाई मसाला, वो भी डाल दें एक चम्मच। चलें जी, कढ़ाई मसाला भी डाल दिया है। अभी जैसे के भुनाई करें थोड़ी देर, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। अभी जी कढ़ाई की पोजीशन देखें, माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग। और अभी इसमें ऐड करेंगे हम दही। डाल दो। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। ये जी दही भी डाल दिया, अभी इसका टेस्ट चेक करना बाद में। चले इसको मिक्स करके इसका ढकना जो है बंद कर दें, इसको 10-12 मिनट पकने दें। ठीक हो गया? ओके। तंदूर हमारा जो जल चुका है, ये देख ले, ये तंदूर है, ये जल रहा है। और ये एक बंदा खड़ा है इसके निगरानी के लिए। हाँ जी, निगरानी कर रहे हैं कि लकड़ी घिरना चाहे। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा काम है। हाँ जी। और वो उधर देखे, अम्मी जो है समिया के बाल सेट कर रही है, और जकिया उसका तमाशा देख रही है। नहीं, जकिया पानी देने गई थी। अच्छा, पानी देने। हाँ जी। चलो सही है, जकिया आप भी कुछ सीख लो, बाल शाल बनवा दिया करो समिया के। फिर से खराब कर दिया। अच्छा कोई नहीं, चलन जी आप। चलो पुत्र बकरियों के जानब। और जी मैडम साहब अभी अभी लगी हुई है खाने पीने को, खाने पकाने में। इसमें जो हमने दही ऐड कर दी थी, इसको जो है 10-15 मिनट दम में खड़ा रखना होता है, तो ये खड़ी है। अभी धनिया वगैरह और हरी मिर्च थोड़ी सी भी काटते हैं। ठीक हो गया? हाँ जी, हो गया 10-15 मिनट। हाँ जी, हो गया। माशाल्लाह, कढ़ाई तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है। अभी इसकी आग ना ख़त्म कर देते हैं। आग इसकी बुझा दें, आग बुझा के फिर जो है वो ऊपर से वो भी डाल दें। धनिया? हाँ जी, धनिया बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। अब वो डालें हरी मिर्च।
नमक चेक कर लिया था? हाँ जी कर लिया। चले अब इसको ना आग पे, आग से बिल्कुल उतार ले, इसका ढकना बंद करके उतार ले। फिर ये तैयार, गुड हो गया। ओके। अम्मी जी इधर चार पाया निकाल रही है, अभी अम्मी से हाल हवाल करते हैं। माशाल्लाह अम्मी जी, कढ़ाई हमारी रेडी हो गई। माशाल्लाह। हाँ जी, खाने का इंतजार कर। तो फंक्शन है, किस टाइम रखे हैं? तुम्हारा अबू क्या कहता है? वो आ रहे हैं, वो पता नहीं। हाँ हाँ, वो नलका फिट करके ना आ रहे हैं, फिर कल जो है होते बनाएंगे इंशाल्लाह। जब वो घर वापस आ जाएंगे तो फिर खाना स्टार्ट कर देंगे टाइम से। अबू वापस आ जाएंगे तो हम ये करेंगे, अगर अबू नहीं आएंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ जी, ये बात, यही तो बात चल रही है ना बेटा। ये मैडम की जिद है कि अबू के बगैर हमने कोई फंक्शन नहीं अटेंड करना। बड़ों के बगैर कैसा होता है? क्या समझदार है, कोई बच्ची नहीं है, जो बड़े घर में नहीं हो तो ऐसे कैसे फंक्शन अच्छा हो? पूरी फैमिली अच्छा हो तो अच्छा है। अबू और अम्मी घर पे नहीं थे ना, आपके भाई आप और अबू घर पे नहीं थे, कैसे हम बैठे हुए थे आप लोगों के इंतजार में, किसी ने खाना नहीं खाया था, हालांकि ईशा की अजान हो गई। हाँ जी, हमें हमारा दिल नहीं लगता अगर एक अफराद में काम हो तो। सही बात है, हम बहन भाइयों को क्या बताएंगे, वो कैसे बोलेंगे आगे, वो बस वो फरमान नहीं है, उनके अबू नहीं है, वो कमरान नहीं है, वो दूसरे नहीं है, हम कैसे उन्हें बर्दाश्त देंगे? एक साथ जो सारे मिल के फंक्शन हो गया ना तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, और मैं ये देख रहा था आप चारपाइयाँ उठा रही हैं, उसको क्या बीमारी है? उसका बाजू का मसला है, और कौशल दीदी तबीयत ठीक नहीं है, कमज़ोर हो जाती है, मैं खट्टा नहीं चल दिया तो इसलिए मैं अब उठा रही हूँ। अच्छा, मतलब बीमारी बड़ी हुई है। बीमारी आ गई है मेरे अंदर। बीमारी चपक गई। अच्छा, बाजू के अंदर बढ़ गई। हाँ जी, दो दिन मैंने सेंट लगाया है ना। अन्या और लगाओ, और लगाओ। चल कोई ना, अच्छा आपने अभी अपने सर पे ले लिया, वजन भी आप उठाएंगे। बस करना है और क्या करें, गर्मियाँ हैं और सुबह को अंदर डालना, फिर शाम को बाहर निकालना, और धूप पे छा पे, बस हर वक्त तो मंजिल का काम होता है, तो कौन करेगा? हम भी उठाना है, करना है, हमारी जिम्मेदारी है घर का, जो दुख सुख हो, जो मसला हो, हम ही उठाना है, या क्या करना है? जल्दी से इसको ठीक करें। हाँ, रोज डॉक्टर के पास जाते हैं रोज। एक्सरे भी हो गया, दवाई भी रोज भी चल रही है, और दम भी करवाया है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। रोटियां बना सकती है? हाँ। मैं जब शाम को सोती हूँ ना, सुबह को अकल से उठती हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है, रोटियां तो बना लेती है। रोटियाँ सालाना ये तो शौक से बना लेते हैं, सिर्फ अपने खाने के लिए, भावे हमारे मदद करने के लिए, कुछ भी आसानी से बन जाता है ना। चलो जो काम आपसे होता है वो तो करें, ठीक है? मासी की जरूरत नहीं है, हमारे घर में चार पांच मासियां हैं। तुम्हारी अम्मी ना बहुत समझदार है, और नहीं थकाते हम ना, एक मासी रख लेते हैं, वो मासी ना खुद वो करेगी। चलो मैडम से पूछते हैं। हाँ, रख ले। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप खुद अपनी अयाशी के लिए बोल रहे हैं ना कि हमें सुकून मिलेगा। अम्मी नहीं थकती, अम्मी तो बहुत बोलती है। बोलते हैं उस वक्त जो कॉल आई थी ना खाला की, वो यही बोलती हैं कि जो बारह काम होते हैं चार पाया उठाना, ये आपके बच्चे ना बहुत बड़े हो गए हैं, इससे बड़ा करो। हाँ जी, कोई बात नहीं, अगर बच्चे घर में होते हैं तो बच्चे भी कर लेते हैं, नहीं तो मैं आप कर लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं। लड़के निकालते हैं चार पाया वगैरह, आप क्यों निकालती हैं? चले बस छोड़े, कोई मासी शासी नहीं रखने घर पे, हम इतने अमीर तो नहीं है। नहीं है, अमीर नहीं है, क्या है, थोड़ा जब घर अच्छा बन गया, हमें इतना तो नहीं है जो
हम नौकर रख रहे थे और हाँ जी मैंने कहा ना हमारे घर में चार पांच मासियां हैं। वेरी गुड, ये सोच अच्छी है, बरल बच गई हो आज मुझसे, नहीं तो मैं गाल करने वाला था। हाँ जी ये होती है असल तरबियत, काम करने में इंसान की सेहत बन जाती है, वर्देश हो जाती है, इंसान बहुत अच्छा दिन गुजर जाता है। अगर बैठ जाए ना तो किसी काम पर भी नहीं होता, किसी काम का भी। और एक चीज आप और नोट करें, हमारे हालात पहले कैसे थे, अब क्या है, थोड़े से हालात बदले तो हम गरूर में तो ना आए ना। हम नहीं बदलेंगे, मैं तो बार बार यही बात कह रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है जितना काम है तो कर लेते हैं। मैं भी यही समझा रहा हूँ, गरूर कभी नहीं करना, चाहे जितना अमीर हो जाए माड़ी बनवा ले, माड़ी भी बनवा ले, काम आपने करने हैं घर के। बहुत बड़ी फैमिली है और सबके इलाज शुरू हो रहे हैं, अब अभी कमरे वाला काम भी शुरू हो रहा है, बहुत जरूरत है हमें, हम कौन से नौकर रख दे, हम तनख्वाह दे, हम कारोबार, हम तो अपने घर की दाल भाजी भी मुश्किल से करते हैं, आप तनख्वाहें कहाँ से लाएंगे। और वो देखा है ना अहमद भाई, कितने माशाल्लाह उनकी बड़ी कोठी बन गई है, गाड़िया है, तो उन्होंने भी कभी मासी नहीं रखी, वो वाइफ से काम करवाते हैं। सही बात है, घर का काम तो हक बनता है, खुद भी करें, घर के काम करने में थकावट नहीं होती। चलो सही हो गया, ज्यादा बहस हो गई है, अल्लाह हाफिज करे ना। सलाद वगैरह भी काटी जा रही है माशाल्लाह। अबू और फरमान भाई आए, उन्हें मैंने बोला था सलाद का सामान, तो वो ले आए माशाल्लाह, खीरे देखें और प्याज की कटाई, और ये भी अभी बचे हुए हैं, ये काटने वाले हैं, टमाटर भी हैं। ये जो सलाद का सामान काटा जा रहा है माशाल्लाह, बहुत बड़ी दावत है, आज फंक्शन है, मिठाइयाँ भी हैं। ये जो आप सुबह आयद कर रहे थे ना, ये वही पार्टी है। और मिठाई पता है, मिठाई पता है किस चीज की है, याद है हमें तो याद है, बहन भैया को बता दे, तो आप बता देना। मैं बता देती हूँ, जो मशीन की मिठाई बोला था ना, वो आज खिला रहे हैं। जी मशीन सरप्राइज आया था हमारे लिए खास तौर पर, हमने तो सब पैसे दे दिया था, मिठाई आ जाइए, एक माह बाद दी गई है मिठाई। चलो आज कुछ किया है मतलब घर वालों को इकट्ठा, तो फिर रोज तो कोई कहीं होता था, कोई कहीं। जी बिल्कुल। चलो जी आज फिर माशाल्लाह मिठाई जो है ना खिलाने थी, वॉशिंग मशीन सरप्राइज गिफ्ट वाली, तो आज ये मिठाई स्टाई भी ले आए हैं, मौजे हैं माशाल्लाह जी। यहाँ पर जो है ओपन, और अभी डालेंगे प्लेटों में, टेबल पे रखेंगे, फिर सजाएंगे। काकू थरे नहीं पिए, हाँ जी मैडम जो है रोटियां लेके भी आ गई है। हाँ जी, और अभी रोटियां जो है छाबों में डालेंगे, फिर टेबल पे सजाएंगे। कढ़ाई, चिकन कढ़ाई नज़र आ रही है ना आज, आज स्पेशल कढ़ाई बनाई है। बहुत अच्छी है, असल ओरिजिनल वाली कढ़ाई। माशाल्लाह जी मिठाई का डब्बा खुल गया है, प्लेटों में जो है डाली जा रही है। हाँ जी माशाल्लाह, ये देखिए बर्फी, जामुन, रसगुल्ले, खर्चे कर दिए आज तो अम्मी ने। अम्मी ने खर्चे कर दिए। सियारा पत्तर है, क्या देख रही हो, घास रोटी, पप्पा तो रोटी, ये मिठाई भी,
और बोतल भी। वाह जी वाह। मैडम जो है उधर सलादें डाल रही है प्लेटों में। हाँ इनके ऊपर ना नमक छिड़का देना सब पे, ठीक है। हाँ जी। और इधर जी हमने कुछ सामान रख दिया है, पानी की बोतलें, रोटियां और ये सालन, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। बाकी जो है चीज़ें वो रखने वाली हैं, वो भी इंशाल्लाह रखते हैं। निज़ाम जी सारा ओके हो गया है, क्योंकि ये होता है भाग दौड़ वाला काम, शाम भी होने वाली थी तो जल्दी से जल्दी हमने कहा इंतज़ाम करें, अंधेरा ना हो जाए। अभी आपको जो चीज़ें दिखाऊं कि क्या क्या रखा हुआ है, मिठाई, सलाद, ये भी मिठाई, चिकन कढ़ाई और ये रोटियां, माशाल्लाह। ऐसे देखते जाए ना तो सारे टेबल देखे माशाल्लाह सजी हुई है, और कोक की बोतलें भी हैं। ये भी खर्चा कर दिया मैंने आज। वाह, अम्मी ने दिल खोल के खर्चा कर दिया। हाँ जी अम्मी ने खर्चा करवाए हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक। हमारी जेब से गए हैं खर्चा। हाँ जी क्योंकि अम्मी ने सुबह बोला था ना, इरफान ने नहीं खिलाया तो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ जी बाकी पैसे मैंने दे दिए थे, वैसे नाम मैं आपका शो करना चाहता हूँ, आपकी कुछ इज्जत बन जाए। हाँ जी हमारे। तो चलो जी माशाल्लाह सब कुछ रेडी ओके, अब बंदे बैठे हैं खाने के लिए। तो क्या ख्याल है शुरू करवाएं? करते हैं कढ़ाई को देके पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। सबसे पहले जिस बहन भाई को खाना है वो हमारे साथ खाना। हाँ जी मैं भी सुला खा लूँ, जिस बहन भाई ने खाने हैं वो हमारे साथ खा ले, जिसे ये कढ़ाई, ये मिठाई, ये बोतल, ये पानी, ये सलाद, ये रोटियाँ, तंदूर वाली पसंद है ना, भाग किया जाए। ये तो हमारा डेली का खाना होता है, माशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसे नसीब करे। माशाल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ये खाने देने खाने की तौफीक अता फरमाई है। आमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। और ये जी इनकी जो थी ना शर्त, ये शर्त पूरी हुई है। शर्त नहीं थी, शर्त नहीं थी, ये उनकी फरमाइश थी कि वॉशिंग मशीन लेकर दे। वॉशिंग मशीन आ गई, बहन भाइयों की मेहरबानी है, उन्होंने लेकर दी है। तो हम खुशी से इन्होंने कहा तो हमने कि ये मिठाई हमें खिलाएं, मिठाई उन्होंने तो अपनी तौर से दे दिए थे आपको रकम। आज आपसे ज़बरदस्ती की, जिम्मेदारी उठाई तुम्हारी अम्मी ने, तो फिर आपने आज ये खर्चा किया है। हाँ जी हमने तो उस दिन ही पैसे दे दिए थे आपको, एक माह हो चुका है माशाल्लाह से आज प्रोग्राम किए हैं आपने। पता चल गया आप ईमानदार हो। हाँ जी क्योंकि इस पे तो बहन भाई नहीं पहुंच सके कि माजरत, जब आएंगे तो फिर इससे भी अच्छे टेबल सजाएंगे। इतना हो सका बहुत अच्छा इंतजाम करेंगे, कोई बहन भाई आ सकते हैं हमारे घर में, हमारा घर देखें, हमारे पास ये खाना खाएं, हमें बहुत खुशी होगी। हाँ जी चलो आप ले सक रहे हैं, मैं जरा इसको आ दूँ फिर से। सबसे ज्यादा ना ये मिठाई देख कर ना बात लिसक रहे हैं। चलो पहले मिठाई खा ले। नहीं फिर रोटी नहीं अच्छी लगी, बाद में मीठा मुंह करेंगे। आज मिठाई तुम्हारी अम्मी के हाथ से खाएंगे, खुद अपने हाथों से सबको बांट कर देंगी। माशाल्लाह ये होते हैं साले जात। हाँ अपने क्या खिलाएंगी? मुझे खिलाएंगी, सबको नहीं खिलाएंगी। वैसे तो अम्मी हर चीज बांट के देती है। बच्चों को भी खिला सकती है, चले अम्मी ये दिखा। हमारी हमारी नज़र में आपका मकाम माशाल्लाह बहुत हाई लेवल पर है, हम चाहते हैं कि ऐसा ही रहे जब तक आपकी ज़िंदगी है। ऐसे ही आप बांट बांट कर खिलाते रहे, हमारी बड़ी हैं, अबू भी बड़े हैं, ये खर्चे करवाते रहे और हम खाते रहें। ऐसे ही अल्लाह पाक जिंदगी दे, जेब से पैसे निकाल निकाल के बच्चों को देते रहे और चीजें घर में आती रहे और हम बनाते रहे और सब खाते रहे। हाँ जी चलो जी बिस्मिल्लाह में बांटे फिर। ओके जी फिर आज की ये जो है पार्टी बहुत अच्छी रही, फंक्शन। पाकिस्तान जिंदाबाद, साहब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।